सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नो सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसे रिपेयर करना होता है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास 24 इंच का एक नॉन ब्रांड एलईडी टीवी आया है जिसके अंदर की बैकलाइट की प्रॉब्लम है, यानी इसमें ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहा है और ब्राइटनेस नहीं आ रही है, बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार इस तरह के एलईडी को रिपेयर करना होता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है। तो सेट अभी आप देख सकते हैं स्टैंड बाई कंडीशन में है, तो इसको हम लोग ऑन ऑफ से रिलीज करेंगे। देखिए यहाँ से सेट रिलीज़ हो चुका है और आपको शायद वहाँ ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर इसमें नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका बैक कवर हमने रिमूव कर दिया है और इसमें काफ़ी डस्ट है, तो इसको पहले हम लोग बेसिक क्लीन करेंगे, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हम लोग एक बार बेसिक क्लीन कर लेते हैं। और ये हमारी बैकलाइट है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार बैकलाइट टेस्ट की सहायता से चेक करते हैं। बैकलाइट ख़राब है, ये हमारा बैकलाइट का जो बूस्ट सेक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों चीज़ आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने बेसिक क्लीन कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो है बैकलाइट टेस्टर से हम लोग बैकलाइट को चेक करेंगे और बूस्ट सेक्शन को हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आप 200 वोल्ट डीसी रेंज पर रखेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जो बैकलाइट के तार हैं यहाँ लगा के रखेंगे पहले से ही। देखिए आपको यहाँ पे अभी स्टैंड बाई सप्लाई मिल रही है जो कि 11.9 कुछ आ रही है। अब ऑन ऑफ को रिलीज़ करेंगे ऑन ऑफ की सहायता से। देखिए यहाँ से ऑन ऑफ दबाएंगे हम लोग और मल्टीमीटर की तरफ देखिए आप, 65 के आसपास सप्लाई बूस्ट हुआ और फिर बैक हो गया। इसका मतलब क्या, आपका बैकलाइट सेक्शन ठीक है, प्रॉब्लम आपकी बैकलाइट से हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें बैकलाइट टेस्टर की सहायता से आपकी जो बैकलाइट स्ट्रिप है उसे चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग बैकलाइट टेस्टर को ऑन करेंगे। देखिए बैकलाइट टेस्टर ऑन हो चुका है और बैकलाइट टेस्टर से हम लोग बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं देखिए 32, 84, 56 इस तरीके से फ्लक्चुएशन कर रही है। इसका मतलब क्या है, हमारी बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं परफेक्टली। अब हमें क्या करना है, पैनल को ओपन करना है और बैकलाइट को चेंज करना है, प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। चलिए पैनल को ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या कंडीशन है। तो देखिए ये हमने सारे स्क्रू बैग से निकाल लिए हैं। सबसे पहले हमें जो एलवीडीएस कनेक्टर है उसको निकालना है, ये हमने निकाल दिया है, और इसके पीसीबी को इसको फ्री कर लेना है। चलिए अब इसके फ्रेम को हम लोग आउट कर लेते हैं, सावधानी से आपको काम करना है। उसके बाद देखिए ये स्केलर पीसीबी है, और आप एक बार पहले श्योर हो लें कि कहीं से पैनल जो है चिपका हुआ तो नहीं है, तो आप इजीली देख सकते हैं। और ये बहुत छोटा पैनल है तो इसको आप इजीली अपने हाथों से ही इस तरीके से उठा सकते हैं, इसको आप किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। उसके बाद हमें ये जो फ्रेम की जो ग्रिल है इसको ओपन करना है, ध्यान रहे कोई भी लॉक ब्रेक ना हो, तो इसको आप इस तरीके से इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से इसे भी आप किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। उसके बाद जो रिफ्लेक्टर शीट हैं उनको भी आप किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले भी शायद किसी ने इसमें एलईडी स्ट्रिप को चेंज करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं पेपर की सारी कटिंग पहले से ही इसमें हो रखी है, तो चलिए कोई बात नहीं। और ये जो पेपर है रिफ्लेक्टर शीट, इसको भी हम लोग रिमूव कर लेंगे सावधानी के साथ। देखिए ये इसके अंदर स्ट्रिप लगी हुई है और कुछ ज़्यादा ही सफाई से किसी ने काम किया है। चलिए इसे हम लोग वन बाय वन बैकलाइट टेस्टर की सहायता से चेक कर सकते हैं, हालांकि हमें सेट तो पूरा ही चेंज करना है, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं स्ट्रिप की क्या कंडीशन है। देखिए आप देख सकते हैं शायद इसमें एक एलईडी बल्ब जो है ख़राब हो चुका है। देखिए ये लास्ट वाला जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब हो चुका है, आप देखते हैं सभी ग्लो हो रहे हैं और ये वाला ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए दूसरी स्ट्रिप को चेक करते हैं, ये वाली ठीक है, लेकिन हम पूरा सेट चेंज करेंगे फिर आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने दो बैकलाइट स्ट्रिप मंगा ली है सेम, हालांकि हमारी एक ही स्ट्रिप ख़राब है, लेकिन हम चेंज दोनों को करेंगे जिससे प्रॉब्लम रिपीट ना हो। लगाने से पहले इनको भी हमें चेक करना होगा, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये प्रॉपर ग्लो हो रही है सभी एलईडी, और इसको भी चेक करते हैं, ये भी
प्रॉपर ग्लो हो रही है। चलिए इन्हें फिट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिए हैं और स्ट्रिप हमने लगा दिया है, और एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे पावर इन करके कि ये परफेक्टली ग्लो हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए पावर इन करते हैं, आप देख सकते हैं ये परफेक्टली ग्लो हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसके रिफ्लेक्टर पेपर और रिफ्लेक्टर शीट को लगाकर पैनल लगा के आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं क्या कंडीशन रहती है। जैसे आप देख पा रहे हैं सभी शीट हमने लगा दी हैं, एक बार हम फिर से देखेंगे हमारा जो बैकलाइट है ये सभी एंगल में बराबर ग्लो हो रहा नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होती हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एंगल पे प्रॉपर लाइट है, कहीं कोई स्पॉट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग पैनल फिक्स करेंगे फिर आपको दिखाते हैं फाइनल आउटपुट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने फाइनल पैक कर लिया है, सेट हमारा भी स्टैंड बाई कंडीशन में, और इसको हम लोग अभी ऑन ऑफ से रिलीज़ करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्टली जो है बैकलाइट हमारी ग्लो हो चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी भी लिखा हुआ आ चुका है। वॉल्यूम वगैरह देखिए आप, प्रॉपर ग्राफिक्स भी आ रहा है, यानी हमारा ये एलईडी कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।